हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम इलेवन टीम टू में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पटना पायलट और यूपी योद्धा के कबड्डी के शाम के मैच, पहले मैच के बारे में। उसके बाद होएगा बंगाल वॉरियर वर्सेस तमिल थलाईवास का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। क्रिकेट के दो जो आज के मैच हैं वो दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो अभी शुरू करते हैं पटना पायलट और यूपी योद्धा से। तो दोनों ही टीमों की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पटना पायलट की तरफ से जो सेफ ऑप्शन है वो है प्रदीप कुमार, 11 रेड पॉइंट ले गए थे पिछले मैच में। उसके बाद मंजीत 8 पॉइंट और दीपक नरवाल, तुषार पटेल और सुरेंद्र में से कोई एक हो सकता है। इन दोनों को मौका मिल गया है पिछले मैच में, परंतु इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है सुरेंद्र कुमार को चांस मिल जाए या टीम दीपक के साथ जाए और तुषार को और सुरेंद्र को अपने सुरेंद्र को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में रखें। उसके बाद बात करें जवाहर डांगर, उसके बाद जयदीप सेफ हैं। जवाहर डांगर पिछले मैच में एक भी कर नहीं पाए टैकल, फिर भी ये टीम चाहेगी कि सेम ऑप्शन के साथ जाएं। इस बार भी जयदीप सेफ ऑप्शन है लेफ्ट कॉर्नर, उसके बाद विकास काले राइट कवर, ये भी विकास काले की अगर मनीष कुमार सब्स्टिट्यूट भी आ सकते हैं या स्टार्टिंग सेवन में भी आ सकते हैं। उसके बाद विकास जागलन, ये उसकी जगह पर कुलदीप सिंह को चांस मिल सकता है। हो सकता है टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ जाए, जो मैं मतलब चांस हो सकते हैं वो मैं बता दिए, बाकी जो कन्फर्म प्लेइंग 7 बताऊंगा मैं, वो मैं ड्रीम इसके डेडलाइन से आधा घंटा पहले इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कमेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए और मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, अगर उधर नहीं है तो आपने टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है ASIACUP181 एशिया कप 181, उधर आ जाएगा ड्रीम 11 टीम, वो टीम टू टीम वो आपने ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट की बात करें मैं पटना पायलट की तरफ से, तो तुषार पाटिल, सुरेंद्र सिंह, विजय कुमार, रविंद्र कुमार, ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। उसके बाद यूपी योद्धा की बात करें तो यूपी योद्धा में जो सेफ हैं वो है ऋषंक दिवेड़िका, प्रशांत कुमार राय, जी मैंने पिछले मैच में बोला था आपको टीम में होने वाले हैं, आप बहुत ही अच्छी पिक होगी ग्रैंड लीग के लिए, तो ये टीम में हो गए और 8 रेडिंग पॉइंट भी लेके। उसके बाद श्रीकांत यादव, नीतीश कुमार रेड 3 पॉइंट राइट कॉर्नर, जीवा कुमार लेफ्ट कवर 1 पॉइंट सेफ है, नरेंद्र कुमार, ये पूरी टीम सेफ है, ये 7 प्लेयर सेम के सेम जा रहे हैं। उसके बाद आपसे सब्स्टिट्यूट की बात कर ले, रोहित कुमार चौधरी, सचिन कुमार, आशीष नागर और अमित, ये सब्स्टिट्यूट होने वाले हैं। ग्रैंड लीग की मैं आपको एक टिप दे दूँ तो टिप ये है कि आपने 6 प्लेयर हाई क्वालिफाइड लेने हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, वो 6 लेने हैं। आप एक प्लेयर चाहे तो कम क्रेडिट वाला ले सकते हो, बस टीम में वो होना चाहिए कम क्रेडिट वाला, उसे आपके बाकी 6 वो एडजस्ट हो जाएंगे बड़े बड़े प्लेयर। और कैप्टन वाइस कैप्टन वही लेना है जो टीम में कन्फर्म 100% खेल रहे हैं और बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है। तो उसके बाद बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आपके पास ऑप्शन है प्रदीप नरवाल, ऋषंक दिवेड़िका, प्रशांत कुमार राय, श्रीकांत यादव और सागर कृष्णा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक लाइक के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं आपसे कोई रेफरल नहीं मांगता, मैं आपसे कोई ये नहीं बोलता मेरी वीडियो को रेफ़र करो, मेरे लिंक मैंने कोई दे के रखा है या ड्रीम इलेवन मेरे लिंक से करो ज्वाइन या कोई रेफ़र करो या कुछ भी करो, मैं कभी नहीं बोला आपको। तो सिर्फ और सिर्फ मैं मांगता हूँ एक लाइक, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरा इस बार टारगेट है, अभी तक मैच लगने में बहुत टाइम है, 200 लाइक्स आपने करने हैं, ये मेरा एम है। ये हो गए, अभी हम बात करते हैं सीधे अपनी प्लेइंग 11, तो मैं टीम आपके सामने बना के दिखा देता हूँ आपको कबड्डी की। गाइस इस बार पूरे की पूरे मैच आने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, पहले मैं धीरे बोल रहा था, पिछले दो मैचों में क्रिकेट की मैं दो मैच हुए उसमें धीरे बोल रहा था, उसका कुछ कारण था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के जो आपके पास ऑप्शन है जीवा कुमार, विकास काले, जवाहर डागर थोड़े से रिस्की हैं, विकास काले भी थोड़े रिस्की हैं, परंतु ये टीम में खेलने वाले नीतीश कुमार सेफ हैं, उसके बाद मनीष कुमार, जयदीप बिल्कुल सेफ हैं, विजय कुमार, पंकज, रविंद्र कुमार, सचिन कुमार, आपके पास जो ऑप्शन है वो है यही हैं, जीवा कुमार, विकास काले, नीतीश कुमार, जयदीप और विजय कुमार को भी सब्स्टिट्यूट में चांस मिल सकता है, पिछली बार मिला था, मनीष को भी सब्स्टिट्यूट में ही मिला था। तो फिलहाल के लिए जो मैं ले रहा हूँ टीम में वो है नीतीश कुमार और जयदीप, दोनों ही सेफ प्लेयर हैं। जयदीप आप चाहो तो यहाँ पे जीवा कुमार को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और विकास काले को, पर क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में पास सागर कृष्णा बहुत ही अच्छी फॉर्म में और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, उसके बाद नरेंद्र हैं जो कि पिछले मैच में डाले गए थे और ये बहुत ही अच्छा खेल के गए थे, तो इनको आपने मिस नहीं करना है, नरेंद्र को आप ले सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो 77% लोगों ने इसको लिया हुआ है। और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूट में आए थे टीओडीओ के ओम, पर ये इतना अच्छा कुछ खास कर नहीं सके, तो इस बार इनका रिस्की है। और रेडर की बात करें तो प्रदीप नरवाल फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होने वाली है, उसके बाद दीपक नरवाल इतनी अच्छी फॉर्म में तो नहीं चल रहे हैं फिलहाल के लिए, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो प्रशांत कुमार, तुषार पटेल और दीपक नरवाल में से कोई एक होने वाला है,
कौन आएगा सब्स्टिट्यूट, कौन स्टार्टिंग सेवन में आएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं। रोहित कुमार चौधरी ये सब्स्टिट्यूट में आ सकते हैं, आप चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मंजीत आपके पास एक ऑप्शन है और श्रीकांत यादव। तो मैं फिलहाल के लिए श्रीकांत यादव, प्रशांत कुमार राय और प्रदीप नरवाल के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो अगर आपके पास क्रेडिट है तो ऋषंक दिवाड़िका को आप ले सकते हो। इसके लिए आपको ऋषंक दिवाड़िका को लेकर और श्रीकांत यादव ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें जयदीप नीतीश कुमार सेफ आ गए, सागर कृष्णा नरेंद्र आ गए, दिवाड़िका प्रदीप नरवाल और श्रीकांत यादव। अगर आप चाहो जीवा कुमार को ट्राई करना है, ये दिवाड़िका में इसे ऐसे टीम आए हैं कि मेरे को प्रशांत कुमार राय को टीम से निकालना पड़ा है जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो आप ये अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो क्या क्या करना है। उसके बाद डिफेंडर की बात करूँ तो डिफेंडर में अगर आप चाहते हो कि यहाँ से जीवा कुमार को लेना है तो आपको फिर कुछ नहीं करना, सागर कृष्णा को इधर से हटाना पड़ेगा, जीवा कुमार को लेना पड़ेगा और फिर आपके पास 13 क्रेडिट बचते हैं। तो फिर ऑलराउंडर में हम लेंगे किसको, कोई भी लेने वाला नहीं ऑलराउंडर में हमारे पास, जो कि एक टियाडोक एम है, जीपीजे है, दोनों ही सब्स्टिट्यूट आए थे ग्रैंड लीग में, आप दोनों को ट्राई कर सकते हो। इस बार बहुत ही रिस्की है, 13 का क्रेडिट बच जाता है तो हमारे पास सुरेंद्र कुमार, विकास जागवान, पूर्णा एक ही टीम के प्लेयर हो गए। इसके लिए हमें ऋषंक दिवाड़िका, तो ये बहुत ही मुश्किल है क्रेडिट एडजस्ट करना आपके लिए, इसलिए मैं बोल देता हूँ जीवा कुमार को आप मिस कर दो। या तो आपको ऋषंक दिवाड़िका को मिस करना पड़ेगा या जीवा कुमार को मिस करना पड़ेगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए मैं जीवा कुमार को मिस कर रहा हूँ। डिफेंडिंग में इतने अच्छे पॉइंट नहीं होते हैं क्योंकि पॉइंट लेके चार पाँच ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 पॉइंट देके जाएंगे, रेडर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देके जाएगा, इसलिए हम इसी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बाकी सागर कृष्णा बहुत ही अच्छे खेले थे, ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो मेरी यही फाइनल प्लेइंग 11 बन रही है। आज दिवाड़िका को निकाल के आप प्रशांत कुमार राय को ले सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। या दीपक नरवाल को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, तुषार पाटिल को ट्राई कर सकते हो, रोहित कुमार को ट्राई कर सकते हो और मंजीत एक अच्छा प्लेयर है, इनको भी ट्राई कर सकते हो, ये तो फर्स्ट सेवन में होने वाले हैं। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है। प्रदीप नरवाल तो आपने कन्फर्म लेने हैं, श्रीकांत यादव क्रेडिट कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो दीपक नरवाल, प्रशांत कुमार राय और प्रदीप नरवाल के साथ जा सकते हो, तुषार पाटिल, रोहित कुमार चौधरी, मंजीत के साथ भी आप जा सकते हो, ऐसा कम्बिनेशन बना के। फिलहाल के लिए जो मैं जा रहा हूँ वो है यही है श्रीकांत यादव और इस ऑप्शन के साथ मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ। आपने अगर जीवा कुमार को लेना है तो आप कोई रेडर मिस कर दो, प्रशांत कुमार राय को मिस कर दो और जीवा कुमार को ले सकते हो। तो ये हमारा कम्बिनेशन वर्क है। सागर कृष्णा ये आगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के आपको मैं पिक बता दूँ तो कैप्टन वाइस कैप्टन में आपके पास जो ऑप्शन है प्रदीप नरवाल, प्रशांत कुमार राय, श्रीकांत यादव, ये क्योंकि ये दो रेडर मेन हैं उनकी टीम की तरफ से और पटना की तरफ से प्रदीप नरवाल मेन है। तो ये इन तीनों में से आपने कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बनानी है। अगर आप दिवेड़गा को टीम में डाल दे तो फिर दिवेड़गा को कैप्टन प्रदीप नरवाल और दिवेड़गा में ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने हैं। तो ये हो गया। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे तो आप नरेंद्र और सागर कृष्णा को ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए ताकि फाइनल अपडेट जो है वो फाइनल न्यूज़ इंजरी की कोई भी न्यूज़ आती है तो वो आपको मिलेगी मेरे ही चैनल पर। इसी वीडियो के कमेंट के नीचे मैं कर दूंगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा न्यूज़, ट्विटर आप फॉलो कर लीजिए, फेसबुक अकाउंट मैंने फेसबुक नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे के रखा है, उस पर फॉलो हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।